जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड। पिछली क्लास में भी हमने यही पढ़ा, इसलिए वही दोबारा से लिखा हुआ मेरे पास सब कुछ। हाँ, सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज कीवर्ड। और अभी आपको एक फायदा भी है कि आप ही के लेक्चर की दो दो वीडियोज हैं, यानी आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा है ना, वो पीछे वाले ने भी पिछली क्लास में पढ़ा है, यानी उसकी भी दो वीडियोज हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी भी दो वीडियोज होंगी, एक आपकी प्लेलिस्ट में होगी, एक उनकी प्लेलिस्ट में होगी। और लाजमी बात है, आप चेहरे देख के बंदे का पढ़ाने का स्टाइल भी बदल जाता है ना। काफी बंदा डिफरेंट तरीके से बात करता है, मतलब पहले मैंने हो सकता है किसी और तरीके से बात की हो, अब मैं किसी और तरीके से बात करूं। जब आप मेरी दोनों बातें सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वो फिट करके क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्या है जी? कीवर्ड रिसर्च। और ये क्या टॉपिक है बेसिकली, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ में? ये बैकबोन टॉपिक है आपकी वेबसाइट एसईओ का, इसलिए कि अगर आपको कीवर्ड्स का ही नहीं पता और आप कीवर्ड्स के मुतालिक कुछ जानते नहीं है और आप कीवर्ड्स के मुतालिक वेबसाइट पे कुछ करते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एसईओ ही नहीं कर रहे। अगर आप कीवर्ड के मुतालिक कुछ नहीं करते, गूगल एड्स तो पढ़े हम लोगों ने, तो ना हम ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हो मैंने ऐड लगाना है, ठीक है, आपने गूगल ऐड लगाना सीख लिया और आप कीवर्ड वाला ऑप्शन इग्नोर कर देते हो, तो इसका क्या मतलब होगा? आप सही ऑडियंस को तो टारगेट ही नहीं कर रहे हो। सो कीवर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। सो इसलिए अब हमें सबसे पहले कीवर्ड को समझना है और कीवर्ड रिसर्च को समझना है। और ये टॉपिक अच्छा खासा लंबा होगा, थोड़ा ये ज्यादा लेक्चर तक चलने वाला टॉपिक है और आपकी एसईओ सारी की सारी इस पर बेस करिए। भाई ऑन साइट एसईओ, मैंने कहा टाइटल में कीवर्ड, मैंने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, मैंने कहा कंटेंट में कीवर्ड, मैंने कहा हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड, मैंने कहा इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड। अब कीवर्ड ही नहीं अगर हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, हम कैसे रैंक करें? हम तो रैंक ही नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट को, ये हम तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बस। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड। और कीवर्ड से भी पहले हम देखते हैं, अब कीवर्ड जो है, कीवर्ड मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्टिमाइजर हो, आप एसईओ ऑप्टिमाइजर हो, ठीक है, आप एसईओ एक्सपर्ट हो, आप भी समझते हो कीवर्ड क्या होता है। लेकिन एक यूजर जो है, उसने कोई चीज खरीदनी है, उसको पता है कीवर्ड क्या होता है? उसे तो कुछ नहीं पता। मिसाल के तौर पर एक बंदा वाईफाई माउस लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, अभी मैंने वाईफाई माउस खरीदना है, उसे क्या पता व्हाट इज कीवर्ड? यानी वो ये तो नहीं है कि मैं भी मैंने वाईफाई माउस खरीदना है तो मैं कीवर्ड पहले समझ लेता हूँ कीवर्ड क्या होता है, फिर मैं उसका कीवर्ड ढूंढ के लिखूंगा, ऐसे तो नहीं है। उसका तो वाईफाई माउस खराब हो गया, उसने लिखना है अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना है वाईफाई माउस खरीदने के लिए। तो वो जो कुछ लिख रहा है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं सर्च टर्म। उसे हम क्या बोलते हैं? आम लोग जो लिखने लगे हुए हैं वो क्या है? सर्च टर्म। वो कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं जो लिखी जा रहे हैं? अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च टर्म सबकी एक तो नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे 500 स्टूडेंट्स हों और मैं सबको एक ईमेल करूं, मैं उनसे कहूं जनाब मैं ये 10 चीजें इंटरनेट से खरीदना चाहता हूं, मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजें कि आप इसकी क्या सर्च टर्म लिखोगे, तो 500 के 500 एक जैसी सर्च टर्म कभी भी नहीं लिखेंगे। हर किसी की सर्च टर्म मुख्तलिफ होगी, हालांकि उनकी इंटेंट क्या है, खरीदना, उन्होंने खरीदना क्या है, माउस। खरीदना कहाँ से है? लाहौर से है। लेकिन उसके बावजूद उनका जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्च टर्म क्या है? बेसिकली जो यूजर्स लिख रहे होते हैं वो सर्च टर्म है, ये कीवर्ड्स नहीं है, ये कीवर्ड्स नहीं है। बल्कि गूगल क्या करता है, इन सर्च टर्म्स को देखता है और इनको देखने के बाद वो देखता है कि ऐसी टर्म्स कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनको वो कीवर्ड बनाता है। समझ आई बात की? ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, कोई बंदा कॉलेज लिख देगा तो कोई बंदा इंस्टीट्यूट लिख देगा, कोई भी लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद इससे भी थोड़ी सी रिफाइंड चीज जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं की फ्रेज। एक कीवर्ड है और एक है की फ्रेज। फ्रेज सबको पता है, एक वर्ड को बोलते हैं हम, तो की फ्रेज का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ वर्ड्स से मिलकर जो टर्म बनेगी ना वो क्या कहलाएगी? की फ्रेज है। यानी वो सर्च टर्म से थोड़ी सी शायद कुछ बेहतर हो जाए तो हम उसको कह रहे हैं वो क्या है? की फ्रेज है। की फ्रेज को भी गूगल ऐसे ही देख रहा है कि बहुत सारे लोग लिखने लगे हुए हैं, मतलब सर्च टर्म और की फ्रेज कीवर्ड्स नहीं है, ये कीवर्ड्स नहीं है, बल्कि इनसे मिलकर कीवर्ड्स बन रहे हैं। अब चाहे आप उसे सर्च टर्म कह लें, चाहे हम उसे की फ्रेज कह लें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन लाहौर और गूगल मुझे ये कहता है कि भाई इसका जो कीवर्ड है ना वो है कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लेकिन मैंने क्या लिखा है? बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन लाहौर।
तो गूगल क्या करेगा, जब मैं लिखूंगा बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन लाहौर तो गूगल किसे ट्रिगर करेगा? अब आपको समझ आ गई है, मतलब लोग क्या लिख रहे हैं, सर्च टर्म्स लिख रहे हैं, की फ्रेजेस लिख रहे हैं, जो कॉमन की फ्रेजेस बन जाएंगे गूगल क्या करेगा उनके अगेंस्ट, उसने जो अपने पास एक इंडेक्स किया होगा कि भाई ये की फ्रेजेस हैं तो इनकी टर्म्स इनके कीवर्ड्स ये वाले हैं, तो वो मेरे कीवर्ड्स को ट्रिगर कर देगा। यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड है क्या, कीवर्ड वही है जो लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन गूगल उसको रिफाइन करके एक टर्म के तौर पर बना लेता है। ठीक है, अब ये कीवर्ड हमने बनाना है, तो ये कीवर्ड हमने कैसे बनाना है, अब हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। अब वैसे तो देखा जाए तो एक तरह की कीवर्ड रिसर्च तो है हमारे पास, कितने लोग कितना कुछ लिखने लगे हुए तो ये है ना, लेकिन ये हमारे पास तो नहीं है ना, ये डाटा तो हमारे पास नहीं है सारा, हमने यही डाटा कलेक्ट करना है, हमने सर्च टर्म्स को कलेक्ट करना है, हमने की फ्रेजेस को कलेक्ट करना है और जाकर किसी टूल में जाकर उसको बताना है कि भाई ये की फ्रेजेस हैं, आप हमें बताओ कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड है। समझ आई बात, ये मैंने आपको एक आसान अल्फाज में बताया कि कीवर्ड क्या चीज है, कि हम उसे कहेंगे कि ये की फ्रेजेस है, मिसाल के तौर पर मैं उसे कहता हूँ भाई ये 300 की फ्रेजेस है, ये 300 सर्च टर्म्स हैं, मुझे बताओ मुझे कीवर्ड कौन सा यूज करना चाहिए। हो सकता है वो उन 300 में से आपको 10 कहे कि ये 10 बहुत बेहतर है, आप इन 10 को यूज करो। अब मैंने अपनी वेबसाइट में उन 10 को लेकर आना, समझ आई बात की। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, मगर कीवर्ड रिसर्च करने से भी पहले हमें एक काम करना है, और वो क्या काम है, ये काम सबसे पहले हमें ये समझना, ये फाइल मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर करूंगा, पीडीएफ फाइल है ये, ठीक है, और ये 10 सफ़ों पर है, लेकिन परेशान नहीं होना, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, इसको आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखें, आपने कुछ सुनाना नहीं है किसी को, आपने काम करना है, मतलब आपने सबक नहीं सुनाना, बल्कि आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने SEO करनी है वेबसाइट्स की, ये सारा काम प्रैक्टिकल है, इसमें कोई लर्निंग नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कीवर्ड कैसे बनता है, उन टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स। प्रीरेक्विजिट्स का क्या मतलब है कि भाई कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग में आ गए हो, पहले से क्या जानते हो आप लोग, पूछता हूँ ना अक्सर, मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, कोई बंदा मुझे कहता है जहाँ मैंने फाउंडेशन किया हुआ है, अब हम ये कह रहे हैं कीवर्ड रिसर्च करने की प्रीरेक्विजिट्स क्या है। मसलन मेरे पास एक बंदा आया, क्लाइंट आया, मुझे कहता है भाई मेरी वेबसाइट इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, रैंक करना है। ठीक है, सो बजाय इसके कि मैं उसे पूछूं, डाटा कलेक्ट करूं, मैं उसे कहूं हाँ जी हो जाएगी, मैं आपसे 50,000 रुपया लूंगा, इज इट पॉसिबल? डाटा कलेक्ट किए बगैर तो मैं उसे कुछ डाटा दे ही नहीं सकता। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है, इससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, जिसकी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, जिस वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च हो रही है उसके मुतल्लिक मुझे पहले से क्या पता होना जरूरी है। जी जी, आ जाए, तीन चीजें हैं, देखें सिंपल सी। नंबर वन, सबसे पहले क्या चीज है, बिजनेस, यानी जिसकी मुझे वेब SEO करनी है उसका बिजनेस क्या है। मसलन मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है जो कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता है, मेरा एक क्लाइंट है जो एजुकेशनल कोर्सेज सेल करता है, मेरा एक क्लाइंट है जो प्रॉपर्टी सेल करता है, पता लग गया मुझे उसके बिजनेस का, क्योंकि जब तक मुझे उसके बिजनेस का नहीं पता होगा मैं कैसे कीवर्ड पे काम शुरू कर सकता हूँ उसका। सबसे पहले मुझे ये प्लान देखना है कि उसका बिजनेस क्या है। अब उसने मुझे कह दिया ना मैं कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता हूँ, इट्स ओके, अभी भी बात क्लियर नहीं हुई कि भाई कमर्शियल इक्विपमेंट में भी तो बहुत सारी टाइप्स आ जाएंगी, कोर्सेज में भी बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अब मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अब वो मुझे बताएगा कि जनाब मैं पिज़्ज़ा ओवन सेल करता हूँ, मैं बेकरी इक्विपमेंट सेल करता हूँ, पिज़्ज़ा ओवन हर तरह के सेल करता हूँ, अच्छा उसके बाद मैं आइसक्रीम मशीनरी सेल करता हूँ, मैं कॉफ़ी मशीन सेल करता हूँ, कितनी सारी चीज़ें मुझे पता लगी उसकी। अब मुझे सहूलत हो रही है ना उसके कीवर्ड्स बनाने में, और कीवर्ड ऐसे नहीं है कि मैं, वो मुझे बताएगा मैं घर बैठ कर कुछ लिखूंगा तो वो कीवर्ड हो जाएगा,
उसके लिए मुझे बड़ी रिसर्च करनी है, इसीलिए हम इसको रिसर्च बोल रहे हैं बार बार। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? लोकेशन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशन लाहौर में है, ठीक है ना। अब पीक सॉल्यूशन को कोर्सेज को क्या हम कनाडा में सेल कर सकते हैं, क्या हम यूके में सेल कर सकते हैं, इवन हम गुजरावाला में भी सेल नहीं कर सकते। कोई भी बंदा रोजाना गुजरावाला से यहाँ पढ़ने तो नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर उनके ऑनलाइन कोर्सेज हो, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मैं आपको इस वक्त फिजिकल क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है पीछे 20 लोग ऑनलाइन भी कनेक्ट हुए हैं, वो भी मुझसे पढ़ रहे हैं इस वक्त। अब उनमें से कोई बंदा दुबई में बैठा हुआ है, कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई बंदा गुजरावाला में बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठ के पढ़ रहा है। अब इसका मतलब यह है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ मार्केट करना है, मुझे कीवर्ड कैसे बनाने हैं। अब मुझे लोकेशन वाले कीवर्ड्स भी बने। देखे ना, मैं क्या कहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे ये खरीदना है वाईफाई माउस, मैं लिखूंगा वाईफाई माउस प्राइसेस। अब हो सकता है वो वाईफाई माउस की प्राइस, जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, आप वो वॉलेट पे चले जाते हो ना, तो मैं गाड़ी को खरीदने के लिए लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ हमेशा सबसे पहले। क्यों? इसलिए कि मुझे लाहौर की गाड़ी खरीदनी है। भाई एक बंदा फैसलाबाद में गाड़ी बेच रहा है, तो अभी मैं जाकर उसकी गाड़ी तो नहीं चेक करके आ सकता। तो लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए कीवर्ड्स के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस कीवर्ड जो कीवर्ड बनाने जा रहे हैं उसको किस लोकेशन पर बेस करता है, और आखिर में क्या चीज़ है उसकी वेबसाइट, क्या उसकी वेबसाइट बन चुकी हुई है या अभी बनने वाली है। अगर तो उनकी वेबसाइट बन चुकी हुई है तो मुझे मैं उससे वेबसाइट का URL मांगूंगा और उसकी वेबसाइट को चेक करूंगा और काफ़ी सारे एनालिसिस कर दूंगा उसी वक्त। आप जब वेबसाइट के एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम इसे बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट करना, ठीक है, कि भाई मैं वेबसाइट को ऑडिट कर रहा हूँ। जैसे दफ्तरों में ऑडिट होता है ना कि भाई काम कैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, अकाउंट्स में हेर फेर तो नहीं है, इसी तरह हम वेबसाइट को ऑडिट करते हैं कि वेबसाइट में कुछ इश्यूज तो नहीं है, कोई स्पीड का इशू ठीक तो नहीं है उसमें, कोई वायरस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, रैंक करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसमें मौजूद हैं, ब्लैक हैड ऐसा तो नहीं हुई। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये करना है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी ये काम हम कर चुके हुए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने लगे कीवर्ड रिसर्च की। लेकिन इससे नीचे अगर मैं आऊँ लेकर आपको थोड़ा सा और, तो एक चीज़ और देखें, समझ आ रही है हम क्या बात कर रहे हैं, सबको समझ आ रही है जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा भाई ये कीवर्ड रिसर्च, इतनी देर से हम आधे घंटे से कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये करनी कैसे है, असल में ये होगी क्या, ये तो समझ में आ गया कि कीवर्ड क्या है, ये भी समझ में आ गया कीवर्ड कैसे होगा कि भाई हमें पता होना चाहिए किस बिजनेस के लिए कीवर्ड ले रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो कहाँ पे बिजनेस करता है, क्या उसकी वेबसाइट बन गई हुई है कि नहीं बन गई हुई, ठीक है। अब कई लोग होते हैं उनकी वेबसाइट ही नहीं होती और वो कहते हैं नहीं SEO करवानी है, वो समझ रहे होते हैं कि जो हमारा फेसबुक पेज है शायद यही वेबसाइट है हमारी, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखने लगे हैं कि इसके लिए सोर्स क्या है, कीवर्ड रिसर्च करने के सोर्सेज क्या है हमारे पास। नंबर वन, गूगल ऑटो कंप्लीट। गूगल ऑटो कंप्लीट का क्या मतलब है, आ जाता है ना सबको पता ना गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, कि मैं गूगल पर जाऊं और मैं कुछ टाइप कर देता हूं, इधर आया मैं और इधर आकर मैं लिखता हूं ऑनलाइन, आ गया ऑटो कंप्लीट। ये बेसिकली क्या किया हुआ है, ये गूगल ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है लोगों का कि लोग क्या करने लगे हुए हैं, ये लोगों की सर्च टर्म्स और लोगों के की फ्रेजेस और लोगों के कीवर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, इस सब यहाँ पर आने लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनालिसिस मेरी हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पर मेरा जो मेन कीवर्ड था ना वो था ऑनलाइन MDCAT डिप्रेशन फॉर एग्जांपल, तो उसने मुझे कितने सारी दे दिए। बेसिकली ये मुझे चाहिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, मुझे देखना है कि मेरे काम की चीज इसमें से क्या है, मैं सारी टर्म्स याद से उठाऊंगा और उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा किसी जगह पर, ठीक है। ये क्या है, ये डाटा मैं कहां से कलेक्ट कर रहा हूं, ऑटो कंप्लीट से। इस तरह का जब हम डाटा कलेक्ट देखें, अभी हमें बनाना क्या है कीवर्ड, एंड पे निकलना क्या है, एंड पे निकलना है ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन, ये निकलना है। लेकिन ये निकालने के लिए हम क्या करने लगे हुए, एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें से एक एनालिसिस कौन सा था, ऑटो कंप्लीट का। दूसरा एनालिसिस क्या है, रिलेटेड सर्चेस आ रहा लिखा हुआ नीचे, ये है सजेशंस। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, सजेशंस। अब हमने ऊपर कीवर्ड लिखा, उसने मुझे ये सारी सजेशंस दी, पहली बात तो ये कि इन चारों को मैं नोट कर लूंगा, उसके बाद मैं किसी एक सजेशन पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल फ्री ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन। अब अगर मुझे लगता है कि भाई फ्री तो मेरा टॉपिक नहीं है, फिर मैं इसको नहीं पिक करूंगा,
तो मैं इसे तो करवाना है कि क्या फायदा अगर ये वाला कीवर्ड मैं यूज कर लूँ, ये कीवर्ड रैंक कर जाए और उस पर मेरा वेबसाइट पहले नंबर पर भी आ जाए और कोई भी बंदा मुझे फोन करे कि हाँ जी आप तो फ्री करवाने लगे हुए हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। ऐसी चीजों को हमें इग्नोर करना है जो हमसे रिलेटेड नहीं होंगी। ऑनलाइन एमडी कैट टेस्ट, ये हमसे रिलेटेड था। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया जी, फिर सजेशन मिल गई हमें, फिर ऑटो कंप्लीट में और आ गई चीजें। ये बेसिकली ये सारा डाटा हमें कॉपी करना है, इसी जगह पे लेकर जाना है। अभी हम देखते हैं कहां लेकर जाना है ऐसे। अब नीचे हैं, अब चेंज हो गए, ये दूसरा सोर्स हो गया हमारे पास। वापिस आए इसमें, तीसरे नंबर पर कौन सा सोर्स कह रहा है? गूगल एड सजेशन। भाई बिजनेस ही नया शुरू किया है, अभी तक गूगल एड चलाया ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट चल रही है, आपने 4 साल हो गए वेबसाइट बनवा ली हुई है, आप गूगल एड चलाई जा रहे हैं सीजन में जाकर, लेकिन आप SEO नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? एड तो चल रही है आपकी, तो एड के एनालिसिस से भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उधर भी तो कीवर्ड्स चल रहे हैं, तो वहां से भी हम ले सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इसको छोड़ दें, अगले को, पांचवें को पहले पढ़े। थ्रू कंपिटेटर्स, इसका क्या मतलब है? थ्रू कंपिटेटर्स का क्या मतलब है? थ्रू कंपिटेटर्स का मतलब है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन की, यानी मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी की मैं वेबसाइट चला रहा हूँ। अब एमडी कैट प्रिपरेशन सिर्फ स्टार्स अकेडमी तो नहीं करा रहा ना, और भी कितने सारे लोग हैं, किप्स भी करा रहा होगा, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंट्री टेस्ट करवा रहे हैं। तो अभी तो मैं SEO करने लगा, तो पुरानी जो दूसरी वेबसाइट्स हैं मैं उनके एनालिसिस करूँगा कि भाई किप्स कहाँ पर खड़ी है कीवर्ड्स के अगेंस्ट, उसके कीवर्ड्स कौन से हैं, मैं उसके टाइटल में जाकर कीवर्ड देखूंगा, मैं उसका मेटा में जाकर कीवर्ड देखूंगा, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर कीवर्ड देखूंगा, मैं उसके इमेज एट्रीब्यूट्स में जाकर कीवर्ड चेक करूंगा, मैं उसके हेडिंग्स में देखूंगा कि ये कौन सा कीवर्ड यूज करने लगा हुआ है। यानी एक तरीका क्या है, बिल्कुल यही आइडिया है ना, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, तो क्या आइडिया है कि जिस बंदे ने कंप्यूटर कॉलेज खोलना होगा ना, वो क्या करेगा, वो कोई 1-2 महीने का कोर्स में एडमिशन ले लेगा आगे तक, 2 महीने आता जाता रहेगा, यहाँ पर पढ़ता रहेगा, काफी कुछ इसे पता लग जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता लग जाएगा, रोजाना एडमिनिस्ट्रेशन वालों को डील करके आता है ना, स्टूडेंट्स का भी पता लग जाएगा, टीचर्स का भी पता लग जाएगा, पैकेजेस का भी पता लग जाएगा, सारे एनालिसिस हो गए उसके 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सारे एनालिसिस हो गए, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब कहाँ से जाएगा, कंपिटेटर्स की वेबसाइट्स को देखेगा और उनको देखेगा जो रैंक होंगी, यानी पहले 3 नंबर वाली वेबसाइट को देखना है, 10वें नंबर वाली वेबसाइट को नहीं देखना, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर वापस, बल्कि अभी छठा टूल देखें, वो क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कराया था, लेकिन इसकी बात भी बिल्कुल वही है कि भाई अगर तो सर्च कंसोल बनाया ही नहीं, फिर तो अभी नहीं आएगा ना, अभी तो नहीं आएगा ये, और अगर SEO ही होगी तो अच्छे एनालिसिस दिखा रहा होगा ना, अगर SEO ही नहीं हुई तो ये तो सही एनालिसिस होंगे ही नहीं। हो सकता है मेरी वेबसाइट पर लिखा हो वेलकम टू माई स्क्रीन और उसको मैंने हेडिंग में लिख दिया हो, तो ये तो कहेगा ये आपका कीवर्ड है, अब वेलकम टू माई वेबसाइट कोई कीवर्ड तो नहीं है, तो ये गलत हमें सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसको हम इतना ज़्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, अलबत्ता SEO करने के बाद जरूर करेंगे। और बीच में क्या लिखा हुआ था चौथे नंबर पे, बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। कीवर्ड सर्च टूल्स बहुत सारे हैं, अगर आप गूगल जाकर सर्च कीजिएगा देखिएगा कितने हैं। अभी हमें जिन पर फोकस करना है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्च टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसकी कोई पेमेंट नहीं है, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री में आप यूज कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर। इसी तरह एक है हमारे पास ऊबर सजेस्ट, ये पेड टूल है, ये हमें खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और काम है, SEO जब हम कर रहे होते हैं या जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसके इसमें बहुत सारे टूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वो टूल्स कई लोग खरीदते भी हैं। वैसे मैं आमतौर पर टूल्स नहीं खरीदता, टूल्स के बगैर काम करता हूँ, इसलिए ये टूल्स खरीद लें तो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ टूल्स पर रिलाय करेंगे तो ये बुरी बात है, इसलिए कि आपको रियल एनालिसिस नहीं होते उसे। अब हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए ना मैं कहाँ जाकर एनालिसिस किया, गूगल में जाकर एनालिसिस किया, वो हमें एग्जैक्टली बता रहा होता है, गूगल में जाकर ये भी लिखा हुआ था लास्ट आवर, बिल्कुल रीसेंट एनालिसिस हो जाते हैं। लेकिन जो टूल्स होते हैं, अगर मैंने एक टूल खरीदा है तो टूल तो बन गया हुआ पहले से, उसने तो जो एनालिसिस देने वो रियल टाइम एनालिसिस इतने अच्छे नहीं दे रहा होता, ठीक है। हम फोकस करेंगे कीवर्ड
प्लानर पर अगर आप लेना चाहते हो तो उबर परचेज कर लेंगे, तो जो हमें एनालिसिस कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ रही है, हो सकता है आप इसके बगैर डायरेक्ट आपको कीवर्ड मिल जाए, ठीक है, इसमें हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। और ये कीवर्ड्स होते हैं, ये एक एक कीवर्ड नहीं होता, ये एक बंडल ऑफ कीवर्ड टूल्स होता है, और हम बंडल खरीदते हैं और ये तकरीबन 2500 से शुरू होता है, मतलब इस बजट में ये हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं आगे। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, कीवर्ड प्लानर की। अब हमें यह समझना है कीवर्ड प्लानर कहाँ पे है। आप लोग क्योंकि गूगल ऐड कर चुके हो, इसलिए आपके लिए तो कोई इशू नहीं है, सबके पास गूगल ऐड अकाउंट है, मेरा प्रोवाइडेड, ठीक है, आपके पास मेरा प्रोवाइडेड गूगल ऐड अकाउंट है। हमने क्या करना है, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास ही, उन्हें तो मैंने पूरा ऐड अकाउंट बनाना सिखाया ना, इसलिए कि वो उनका तो है ही नहीं, कर लिया हुआ। चलो वेरी गुड, इसका मतलब है कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं। चलो बस ठीक हो गया, खत्म होगी बात फिर। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम ऑन साइट एसईओ बिल्कुल शुरू कर देंगे। ये मेरा ख्याल है गूगल ऐड में कराया था मैंने आपको, मेरा गूगल ऐड से पहले ये कराया होगा ना, फिर गूगल ऐड्स कराए होंगे। चलो ठीक है, इसका मतलब कीवर्ड प्लानर कहाँ पे है, वेरी गुड, कहाँ पे, ये वाला। चलो ठीक हो गया, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग टाइटल बनाएंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है, और अब हम ऑन साइट एसईओ के सारे फैक्टर्स पढ़ना शुरू कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमने कहा था कि आपने वेबसाइट पे, क्योंकि मैं जो चीज पढ़ाऊंगा मैं तो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आपने इंप्लीमेंट कहाँ पे करनी है, अपने पास जाके करनी है। यानी मैं अगर आपको टाइटल बनाना सिखाऊं, आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल बनाना है। मैं अगर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना सिखाऊं, आपने अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं अगर आपको हेडिंग्स यूज करना सिखाऊं, आपने अपनी वेबसाइट के हेडिंग्स पे इंप्लीमेंट करना है, अपने इमेजेस पे इंप्लीमेंट करना है, अपने एंकर्स पे इंप्लीमेंट करना है। उसका मतलब है आपको अपना कम से कम होम पेज रेडी करना चाहिए, तब आप सीख सकोगे। बेशक वेबसाइट जैसी मर्जी हो, बहुत अच्छी ना हो, खूबसूरत ना हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने अगर बना ली होगी तो आप मेरी बताई हुई हर चीज को प्रैक्टिस कर सकेंगे उसके ऊपर जाकर, ठीक है।